भोले भाले लोगों को विदेश भेजकर मोटे पैसे कमाने का लालच देकर उन्हें ऐसी मुसीबत में फंसाया जाता है कि वो बाद में अपने देश में आने के लिए भी तरसते हैं। ऐसी ही घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यमुनानगर पुलिस भी हरकत में आ गई है, जिसके चलते पुलिस ने एक निजी ऑफिस में छापा मारकर एक दर्जन से भी अधिक पासपोर्ट और गैर कानूनी कागजात बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी अवैध रूप से नकली कागजात तैयार कर लोगों को विदेश भेजने का काम करता था और लोग विदेश पहुंचने पर मुसीबत में फंस जाते थे। वहीं इस बात का खुलासा तब हुआ जब विदेश मंत्री से गुहार लगाने पर 7 लोग यमुनानगर वापस लौटे थे। हालांकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। चौधरी है, एजेंट है हमारा। हम इनके पास गए थे अपना पासपोर्ट लेके, सर हमें बाहर के लिए अप्लाई करना है। तो फिर कुछ दिन बाद इनका कॉल आ गई मेरे को। कॉल आने के बाद इन्होंने मुझे बोला कि सऊदी अरब की बहुत अच्छी कंपनी की वैकेंसी है, तो इसमें आपका पासपोर्ट लगवा देते हैं। तो इन्होंने बोला मेरे को कि आपका इतना पैसा लगेगा, 1,10,000 रुपये टोटल जो हमने दिए, 90,000, बाकी हमारा खर्चा टोटल 1,10,000 रुपये हो चुका। तो वहाँ जाके इन्होंने जैसी कंपनी खोली वैसी कंपनी थी नहीं, खाना पीना बोला कंपनी का, पानी हर चीज़ की फैसिलिटी कंपनी देगी और काम तुम्हारा ड्राइवर का। मैं ड्राइवर में गया था तो वहाँ जाके जब पहुँच के देखा तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, मेंटेनेंस का काम था। किस चीज़ की मेंटेनेंस? हॉस्पिटल में सफाई करना, बस कचरे का काम, बस ये काम करो, जो अगर मत करो तो बोलते थे वहाँ, इसलिए मजबूरी में करना पड़ता था। तो इन लोगों ने बहुत यानी कि तंग हुए, हम खाने पीने से तंग हुए, हमें पता हमने कैसे कैसे एडजस्टमेंट करके खाया पिया वहाँ से। तो यार दोस्त से मांगो, कभी किसी से मांगो, इन्हें हम फ़ोन कर करके थक गए चौधरी साहब को कि चौधरी साहब हमें बुलाओ यहाँ पे, कंपनी बहुत सही नहीं है, ये बहुत मजबूरी से दिन काट रहे हैं हम। तो ये बोलते मेरे हाथ खड़े हैं, मैं बुला नहीं सकता, इन्होंने ये बात बोली मेरे को। तो फिर हमने कंप्लेंट ये मिनिस्ट्री में डाली सुषमा स्वराज जी के, तो वहाँ से उनका प्रेशर से हम लोग यहाँ पे आए 7 के 7 आदमी। तो आकर हमने इन्हें पैसों के लिए बोला तो बोलते पैसे नहीं मिलेंगे आपके। कितने पैसे दिए थे, कौन आदमी है ये? चौधरी जोधामल, ये गुरुजी टेक्निकल सेंटर के नाम से इसका ऑफिस है। कहाँ पर है ये? कमल इंजीनियर के पास। हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ, रही देते हैं लोगों को टेक्निक काम से, और कोई पार्टी अगर परमिशन लेके आती है गवर्नमेंट की तो उनके आदमी को टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट करके वो ले जाते हैं वहाँ। हम नहीं भेजते, फिर भी जो पार्टी आती है विदेशी लेने के लिए उनके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस है, 50,00,000 का लाइसेंस लिया, वो गवर्नमेंट ने स्कूटी ले रखी है। और यहाँ हमारे पास भी अगर आते हैं तो हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेके आते हैं, तब हम उनको टेस्ट करने देते हैं अपने ट्रेड सेंटर दर्ज। मतलब इनका वीजा चेक कराओ, वीजा बिल्कुल सही है, वीजा सही है, 2 महीने वहाँ कंपनी में रह के आए, ठीक है। कंपनी की फैसिलिटी में बता रहे हैं कुछ मतलब अच्छा नहीं था, लेकिन हर जगह 2-3 महीने 4 महीने लग जाते हैं सेटिंग होने में। कंपनी ने इनको तनख्वाह भी दी है और इनको एडवांस भी दिया है, कंपनी का वीजा मतलब इनका नौकरी का है। अगर गलत वीजा हो, विजिट वीजा हो, गुनाहगार है ड्राइवर का, तो देखो लाइसेंस बनने में टाइम लगता है, यहाँ भी लगता है टाइम, हिंदुस्तान में भी यहाँ कचहरी में एकदम तो लाइसेंस बन नहीं जाता, तब तक मतलब कोई और काम कर सके, जब लाइसेंस बन गया तो गाड़ी इनको मिलेगी। कितने पैसे लिए थे एक बंदे के? वो तो जो पार्टी टेस्ट करने आती है वो तो उसको पता होगा। हमारे साथ नहीं, हमने वर्कशॉप अपनी खोली हुई है, वर्कशॉप में उन्होंने मतलब हमने ट्रेड का अपना टेस्ट का किराया लिया, जो टेस्ट का फीस है हमारी किसी 500 रुपया किसी 1,000 रुपया, हम उसकी पर्ची कटी है वो हम लेते हैं, बाकी सिलेक्शन होने की कोई नहीं। मेरा एक प्लॉट का था चक्कर, वो अभी भी चल रहा है, जमीन का मेरा चक्कर है। ये कल दिनांक 21 तारीख को एक कंप्लेंट मिली थी हमारे को राकेश कुमार सन ऑफ अशोक कुमार की तरफ से कि ये एक जोधामल नाम का आदमी है जो इस तरह करके ये चलाता है, 2 नंबर में लोगों को विदेश भेजता है, टेक्निकल वर्कर्स के नाम से इसका है वहाँ लगे हुआ। तो हमने जाके वहाँ इनकी उस पर मुकदमा दर्ज करके छापा मारा, तो इनके पास से काफ़ी पासपोर्ट और लोगों को विदेश भेजने के नाम पे जो कागज तैयार किए थे इन्होंने वो मिले हैं, काफ़ी आपत्तिजनक सामान मिला है, तो हमने कब्जे में लिया है, इसको गिरफ्तार कर लिया। अब इसको कोर्ट में पेश करने के लिए जा रहे हैं, आगे जो भी तफ्तीश में जो भी सामने आएगा, जो भी मुजरिम होगा उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो पास कोई लाइसेंस परमिट कोई सरकार की तरफ से कोई अथॉरिटी नहीं है बाहर भेजने की, सिर्फ ये गुमराह करके लड़कों को सब्जबाज दिखा के कि काफ़ी अच्छी सैलरी है वहाँ पे, अच्छी रहन सहन है, तो गुमराह करके ले जाता है, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं मिलता किसी बच्चे को, ठीक है, वहाँ कम सैलरी है और वो भी नहीं मिलती उनको
रहना सहना व्यवहार बहुत गंदा है, तो इसलिए जो लड़के वहाँ से गुमराह हो गए गए थे वापस आए, उन्होंने कंप्लेंट करी है, जिस बिना पर उसको मुकदमा लग जाएगी पेश अदालत करने के लिए।